subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भुसावळ शहरातील सुप्रसिद्ध गायक तथा सरगम ऑर्केस्ट्राचे संचालक रियाज अली यांनी आपल्या सुरेल संगीताच्या गायनातून फक्त भुसावळ शहरातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील संगीत प्रेक्षकांच्या मनाला भुरळ पाडली आहे. उभयभूत संगीतकार आणि गायक असलेल्या मुकेशजींच्या आवाजाची छबी रियाज अली यांच्या गायनातून ऐकायला मिळत असल्याने ज्युनियर मुकेशजी या नावाने देखील भुसावळ शहरातील नामवंत गायक रियाज अली सुप्रसिद्ध आहे. शहरातील न्यू ईदगाह कॉलनी खडका येथील रहिवासी तथा व्यवसाय आणि रेल्वेचे रिटायर्ड कर्मचारी रियाज अली यांना गायनाप्रती असलेली आवड आणि प्रेम तसेच आवाजाचे मिळालेले अनमोल वरदान यातून रियाज अली यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वे ड्युटी सह आपली गायनाची कला जपली आहे. सध्या ते सरगम या ऑर्केस्ट्राचे प्रोप्रायटर म्हणून काम पाहत असून दूरवरच्या लांब लांब शहर परिसरातून खास गायनाच्या मैफिलीसाठी त्यांना आवर्जून आमंत्रित केले जाते. वेळोवेळी कुटुंब आणि मित्र परिवाराकडून मिळालेली साथ आणि प्रेरणेच्या जोरावरती मला गायनाची कला अजून चांगल्या पद्धतीने जोपासता आली, त्यामुळे आज मी जे काही आहे त्याचे संपूर्ण श्रेय माझ्या मित्र परिवाराला जाते अशा भावनिक प्रतिक्रिया रियाज अली यांनी व्यक्त केल्या आहे. आजवर पर्यंत अनेक गायकांना त्यांनी ट्रेन केले असून त्यांचे बरेच विद्यार्थी आता गायन क्षेत्रामध्ये कलावंत म्हणून श्रोत्यांच्या मनामनावरती राज्य करीत आहे. सध्या त्यांचे काही विद्यार्थी त्यांच्या सरगम ऑर्केस्ट्रामध्ये गायकी करत असून फार मोठा चाहता वर्ग रियाज अली यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये निर्माण केला आहे. कलावंत रियाज अली यांनी कुठेही गायनाचे शिक्षण घेतले नसून केवळ प्रत्यक्ष अनुभूती आणि श्रवणातून त्यांनी ही कला आत्मसात केली आहे. गायनावरती असलेले निस्सीम प्रेम आणि श्रद्धेमुळे गायन हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे अशाही प्रतिक्रिया रियाज अली यांनी व्यक्त केल्या आहे. रियाज अली यांच्या गायनातून भुसावळ शहराचे नाव लौकिक झाले असून आपल्या या ज्ञानाचा अनेकांना उपयोग करून देत गाणे शौकीनांना मोफत गायनाचे शिक्षण रियाज अली देत आहे, जेणेकरून भुसावळ शहरातील गायक कलाकारांचे भवितव्य उजळून भुसावळ शहराचे राष्ट्रीय पातळीवरती नाव लौकिक होईल असा मानस असल्याचे रियाज अली यांनी सांगितले आहे. याबरोबरच जुने ते सोने असे म्हणत जुन्या गाण्यांना असणारा अर्थ भाव प्रेम शब्द आणि आवाज सगळे जादू होती तर सध्याची गाणी जास्त वेगाने म्हटली जात असल्याने गाण्यांमध्ये तो रस दिसून येत नाही अशाही प्रतिक्रिया गायक रियाज अली यांनी आयबीएन न्यूज महाराष्ट्र लाइव्ह वरती संवाद साधताना व्यक्त केल्या आहे. भुसावळ शहराला गायक रियाज अलींसारखे कलावंत लाभल्याने भुसावळ शहर ही संगीताची भूमी म्हणून ओळखली जाऊ लागली असून रियाज अलींच्या माध्यमातून भुसावळ शहराला कलेचे मोठे वरदान हे मिळाले आहे. साल में आप रेलवे कर्मचारी थे जी, ये एंट्री कैसे हुई आपकी ये गाने के अंदर? भुसावळ में कल्चर प्रोग्राम होते थे, मैं शेड में काम करता था, वहाँ मुझे प्रेरणा मिली कि लोग गाते में क्यों नहीं गा पाऊँगा, तो सबसे पहले एक बार रिटायरमेंट फंक्शन में एक मैंने गीत गाए, हम छोड़ चले महफिल को, तो कुछ लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, भाई आपके यानी गले में मुकेश जी बैठा है बोले, और आप कोशिश कीजिए आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे. वैसे धीरे धीरे करते करते फिर मैंने गाना चालू किया. बहुत लोग आपको मिलते होंगे कि मुकेश जी का आवाज सेम लगता है. मेरे दिल से निकलता है साहब, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर मुकेश है, लेकिन जब जो आदमी रिटायर होकर छोड़कर लोगों ने मेरे साथ मिलाया बोले यार तू तो मुकेश गा रहा था, मतलब नहीं हो सकता तू मुकेश गा रहा था, बोले भैया तू मुकेश गा रहा था गाना कुछ, और उन्होंने मुझे इतना गाने लगाया कि मेरी आवाज़ मुकेश जैसी हो गई,
क्योंकि मैं लंच में बैठा था वासे के बीच में, तो लोग मुझे लेके बैठते थे और सब लोग ये बोलते थे गाने का, और खाना खा के गाने लगाते थे जबकि आवाज़ निकलती थी। तो इतनी हैबिट हो गई है कि खाना खाओ या नहीं खाओ आवाज़ बराबर निकलती और गाना बराबर गाया जाता है। ये मेरे दोस्तों की प्रेरणा है जो मेरे साथ में काम करते थे। स्कूल का ही आलम था, एक गाना मैं बहुत गाता था, जिस गली में तेरे घर में आलम, तो मेरे को बोलते यार रियाज तू मुकेश गाता, बोले नहीं यार नहीं, बोले तू गाता हमको मालूम पड़ा। तो अदर दोस्तों लोगों ने मुझे मेरे को प्रोत्साहन दिया उसके लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं कई सालों से मुकेश गाना गाता था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था। लेकिन जब लोगों ने बताया कि मुझ में कुछ अंदर क्या है, कि इंसान में क्या होता है वो खुद नहीं पहचानता, ये लोग बताते कि तेरे में ये अंदर टैलेंट है, ये आप भी समझते, मैं भी समझ रहा हूँ चीज़ को। किस तरह से आप दोनों काम करते थे, गाने का और रेलवे कर्मचारी का? देखिए ये शौक तो इतनी भयानक चीज़ है कि आदमी थका हो या मांदा हो कुछ भी हो, मेरे यहाँ लाइन नहीं थी, मैंने 20,000 खर्चा किया और ड्यूटी से आने से पहले पहले गाना गाता था, हाथ भी नहीं धोता था। मेरी मिसेज बोलती हाथ तो धो नहीं, मैं अभी गाना गाऊंगा उसके बाद सब बात करती, क्योंकि मुझे गाने का इतना बेहतरीन शौक था। रास्ते में गुनगुना, मुझे थकान अगर लगती थी मैं गाना गा के गाना गा लेता, पूरी थकान लेकर आती थी। और संगीत एक इतनी अच्छी चीज़ है, बड़े सर्जन डॉक्टर बोलते हैं जो संगीत से लगा वो बीमार नहीं हो सकता, वो बीमार नहीं हो सकता क्योंकि संगीत पूरा थकान निकाल। पहले गीत क्या थे, आखिर क्या है, बकवास गीत है। पहले शब्द थे मुश्किल से रात की तनिया आवाज़ न दबा, जैसा दिल से निकलता था, एक हीरो रो रहा है अपनी हीरोइन के लिए, रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला भी नहीं लाख भुलाया मैंने, वाह लिखने वाले गम कमाल में ताजी थी। और मुकेश जी की आवाज़ माशाल्लाह, रफ़ी साहब आज पुरानी यादों में कोई मुझे आवाज़ न दे, बेशक हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, किशोरदा आडियन संगीत क्या गाने थे, वो दिल को छू लेते थे। रात के 10 बजे बैठो ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम कहाँ, हमारी थकान निकल जाती थी। संगीत इसे बेस्ट व्यायाम मैं समझता हूँ जो आदमी संगीत। हमारे जाफर साहब को एक बार डॉक्टर ने पूछा, साहब आपको कोई तकलीफ नहीं, बोले सिर्फ थोड़ा ऐसे भी होती, आप करते क्या, बोले गाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बोले आपको लाइफ में कोई, बोले आपकी उम्र कितनी, बोले 70 साल की उम्र है, लेकिन बोले मुझे संगीत से लगाऊँ इसलिए मुझे एहसास नहीं होता, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और डेली रियाज करता हूँ बोले, और रियाज करने के बाद में मेरी दुनिया का टेंशन भूल जाता हूँ कि मुझे क्या तकलीफ है क्या एहसास। बहुत लोग है रेलवे की ड्यूटी रिटायरमेंट होने के बाद में कहीं घूमने जाते आराम कर रहते, आपका सफर कैसी था? मेरा तो संगीत ही सफर, मैं जहाँ जाता हूँ कॉम्पिटिशन में जाता हूँ, गाने गाता हूँ, और यहाँ मुझे पता पड़ता है कि यहाँ कॉम्पिटिशन में पहले जाता हूँ, क्योंकि क्या है अपने शहर में गाना और बाहर जगह जाना बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब कोई मुझे बताता है फला भुसावल से एक बंदा आया है और वो आपके सामने गीत पेश कर रहा है, तो ऑडियंस की नज़र मुझ पर रहती है और मैं ऑडियंस देखता हूँ कि वाकई में लोग मुझे देखते पसंद करते हैं। एक मैडम ने पूछा था, सर आपकी उम्र कितनी है, आप ये मकान गाने क्यों गा रहे, बोला मुझे शौक है। अच्छा बहुत बड़ी बात है, बोले आप इतनी दूर से आए, बोले मना साहब मैं बनाऊ थी भुसावल आज की कॉम्पिटिशन गाने के लिए। दादा अभी के गाने में और पुराने गाने में कितना फर्क है, क्या कहेंगे? हम पहले फिल्में देखने जाते थे गानों के लिए और आज जाते हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि फिल्मों में वो बात ही नहीं रही, ना वर्ड अच्छे हैं ना गीत अच्छे हैं। फिल्में बहुत अच्छी बनती है, मैं नहीं बोलूँगा कि बुरी बनती है, अच्छी एक्टिंग होती है, अच्छे आर्टिस्ट है, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी है कि वर्ड नहीं है उनके पास में। संगीत भी बहुत अच्छा है लेकिन फास्ट संगीत है, पहले स्लो संगीत था, बजाने वाले कम थे, गाने वाले बेहतरीन थे। जब तक साहब कहते हैं कि हमारे पास वर्ड नहीं है, बोले मोहब्बत के वर्ड इतने निकल चुके हैं कि आज राइटर के पास एक वर्ड नहीं है कि मोहब्बत के बाद कोई शेर लिखा जाए। लाखों करोड़ लोगों शायद लोगों ने इसको लिख दिया है, लेकिन अब उसके बाद में डिक्शनरी खत्म हो चुकी है। दादा एक गाने थे पहले कि आदमी रोता था गाने के ऊपर, लेकिन अभी वो आंसू भी गायब हो गए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ उसकी वजह क्या है कि आंसू गायब होने के वजह यह है कि गाने फास्ट हो गए, गानों की स्पीड है वो बढ़ गई है, जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, पहले 40 की अब 1000 की स्पीड चलने वैसा हो गया, तो वो चीज़ को दिल को छूती नहीं है। हाँ इस वजह से गाने में एहसास नहीं होता, पहले गाने की सिचुएशन फिल्म की सिचुएशन के नाम से ऐसा लगता था कि एंटर के बाद में हीरो का दिल टूटता था और हीरो हीरोइन से दूर होकर एक गाना गाता था, वो गाना मुकेश जी का होता था, तो वो दिल को छूता था कि यार रात भरी है महबूबा नहीं है क्या करूँ, और वो दिलों को छूने वाला गान गीत रात की तन्हाई में सुनो, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना बीत गया, किस्मत हमको ले आई है महफूज से तन्हाई में,
वाह आपने बहुत बच्चों को यहाँ पे घड़ा है, कितने बच्चे आपके हाथ से अभी गायक गायक बन गए? काफी बन गए और कुछ तो अभी हमारे ऑर्केस्ट्रा में यानी मतलब शो में गा भी रहे हैं, जैसे लड़कियां कुछ है, लड़कियां लड़के गणेश ठाकुर है, अबुली ठाकरेकर है, कालेकर है और अपना नेहा जसवाल है, ये हमारे ग्रुप के बच्चे भी है, इनको हमने ट्रेन किया है बाकायदा और इनको रॉयल्टी मिलती है मेरी तरफ से, मैं उनको ले जाता हूँ सिखाता हूँ और वो बाकायदा प्रोग्राम में आगे आना चाहते हैं। अच्छा और बहुत से और है फ्री में से गाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या कहेंगे अभी के कोरोना काल देखते हुए, डेढ़ साल से बहुत सारा ऑर्केस्ट्रा होगा, अनेक कुछ होंगे संगीत कला शादी में, सब बंद गिर गए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? भाई ये तो अब दौर है, बीमारी आई है, आएंगी नहीं आएंगी, मैं तो भगवान से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोरोना खत्म हो जाए और सबके अपने अपने काम चलने लगे। देखिए आर्टिस्ट का बहुत बुरा हाल है, ये सरकार ने इसे देखना चाहिए इसको। सरकार तो इसके पहले ही लोगों ने आपने देखा कि गायक हो कलाकार हो, हर लोगों ने सरकार से बहुत मांग की गायक के तरफ ध्यान देना चाहिए, कलाकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या कहना इसके ऊपर आपका? देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है और अभी मुझे पता भी चला है कि कुछ लोगों ने इसको पेंशन लागू की है। पहले जो आर्टिस्ट थे बेचारे सेवा तो करते देश की लेकिन खा नहीं पाते थे, शकीला बानो भोपाली ऐसे कई आर्टिस्ट है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 60 साल के बाद में एक पेंशन लागू की है जिसकी वजह से अब वो एक अनुदान मिलता है महीने का 2-3 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये इसके हिसाब से तो उनका गुजर बसर होता है, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है। एक दौर होता है जब मनोरंजन करता है इंसान, लेकिन एक दौर होता है कुछ नहीं करता, तो गवर्नमेंट ने हम कलाकारों के लिए बहुत अच्छा उस्मान की मैंने भी उसका एप्लीकेशन दी है, मुझे भी अब कुछ दिन के अंदर इसकी रॉयल्टी मिलना चालू हो जाएंगी गवर्नमेंट तरफ से। तो मैं चाहता हूँ जितने भी कलाकार है अपने कलाकार है, तबला वादक है, सदा वादक है, गायक है, वो भी इसको एप्लीकेशन किए, इसको अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट से बोलिए कि हमने भी देश की बहुत सेवा की है और उनको भी इसका फायदा मिलेगा, मैं चाहता हूँ सबको फायदा मिले इसका। आखिरी सवाल क्या कहेंगे अभी जो भावी कलाकार है उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी जो बच्चे गा रहे हैं उनके लिए क्या कहना है आप? ये तो हमारे देश का भविष्य है, अगर इनको नरम लकड़ी को टेढ़ा करेंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगी। बात क्या है कि शुरू से जैसे अभी इंडियन बच्चे गा रहे हैं इतना एक ही ट्रैक के अंदर पूरा गाना गा लेते हैं, जबकि उसको गाने की इतनी मेहनत लगती है, एक एक अंक को बनाने में एक एक महीना लग जाता था उस बनाने के लिए, आज इतना टेक्निकल गाना इतना एक साथ गा ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इनमें से भाई हीरे तो जवाब हीरे तो हजारों जौहरी की कमी है और वो जौहरी तो बैठे लेकिन हीरे ढूंढ रहे हैं, ये जो हमारे जो इंडियन शो रहे हैं वो हीरा ढूंढ रहे हैं कि ऐसा हीरा मिल जाए जो लाजवाब हो, जिसको इंडियन आइडल पूरा वर्ल्ड या पूरा हिंदुस्तान माने कि भाई वाकई में ये फनकार है। तुमची सगळी ताकत आणि आमचा एकच फोन विषय संपला संपला संपला। नाही आमा भीती कशाची नाही कसला डर, नाही आमा भीती कशाची नाही कसला डर, आले 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 आले
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.